अगर मैं आपसे कहूं कि भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां कोई इंसान नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति हमारे भोले भंडारी की रोजाना सबसे पहले पूजा करती है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शिव जी के एक ऐसे भक्त के बारे में जिसे ना तो कभी किसी ने देखा है और ना ही महसूस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा कौन सा भक्त हो सकता है, वो भी इस युग में। तो आपको बता दें, इस शिव भक्त के होने के प्रमाण न केवल प्राचीन समय से मिलते आ रहे हैं बल्कि आज भी मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मिलते हैं, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ये शिव भक्त आज भी यहाँ शिव पूजा के लिए आता है। इस रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कई शोध किए, यहाँ तक कि आधुनिक कैमरे का भी इस्तेमाल किया, लेकिन सब के सब विफल रहे। तो चलिए जानते हैं कौन है ये अदृश्य भक्त, कैसे देता है अपनी मौजूदगी का प्रमाण और कौन सी है महादेव की वो ऐसी पवित्र जगह। इन सभी बातों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक और ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। घने जंगलों के बीच बना शिवजी का यह रहस्यमय मंदिर मुरैना जिले मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर पहाड़गढ़ में स्थित है, जिसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया कि कौन अदृश्य भक्त ब्रह्मा मुहूर्त में शिव भगवान की आराधना करता है। लेकिन ऐसा सिर्फ सावन में ही नहीं होता और इस चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। घने जंगलों में ईश्वरा पहाड़ की गुफा में बने इस शिव मंदिर में पट खुलते ही पुजारी को शिवलिंग का 21 मुखी, 11 मुखी व 7 मुखी बेलपत्रों और चावल फूलों से अभिषेक हुआ प्रतिदिन मिलता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इसे ईश्वरा महादेव का रहस्य वर्षों के बाद भी नहीं सुलझा सका है। ऐसा बताया जा रहा है कि ईश्वरा महादेव मंदिर पर सुबह 4 बजे कोई अदृश्य शक्ति पूजा करती है। इसे जानने के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन बार बार रहस्य जानने की एक कोशिश विफल होती जा रही है। मुरैना से इस गुफा नुमा पहाड़ के नीचे शिवलिंग पर प्राकृतिक झरने से शिवलिंग के शीर्ष पर जलाभिषेक हो रहा है और ब्रह्मा मुहूर्त में कोई सिद्ध शक्ति उपासना करती है। पहाड़गढ़ के जंगलों में पहाड़ों के बीच बना ईश्वरा महादेव का यह सिद्ध मंदिर तो शिव भक्तों के लिए आस्था का केंद्र तो बना ही हुआ है। इसके अलावा भी इस जगह कुछ ऐसा है जो लोगों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करता है। बारिश के मौसम में यहाँ प्राकृतिक छटा देखने लायक होती है, इसलिए ये धार्मिक स्थल के साथ साथ पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसने पहाड़ों के बीच शिवलिंग की स्थापना की थी। ग्रामीण का कहना है कि एक सिद्ध बाबा ने इन पहाड़ों के बीच शिवलिंग स्थापित कर तपस्या की थी, तभी से शिवलिंग के शीर्ष पर प्राकृतिक झरना अविरल जलाभिषेक कर रहा है। जब भी ब्रह्मा मुहूर्त में पुजारी मंदिर के पट खोलते हैं तो वह चक्के रह जाते हैं, क्योंकि पट खुलते ही एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो वहाँ मौजूद हर किसी के होश उड़ा देता है। हर रोज़ पुजारी के पट खोलने से पहले शिव शीर्ष पर 21 मुखी व 11 मुखी बेलपत्र चावल और फूल चढ़े हुए मिलते हैं। लोगों का कहना है कि इस मंदिर के गर्भगृह में रहस्यमय पूजा को जानने के लिए किसी ने शिवलिंग के ऊपर हाथ रख लिया था, लेकिन तभी अचानक तेज आंधी चली और उसका हाथ कुछ देर के लिए हट गया और अदृश्य भक्त शिव का पूजन कर गया और जिसने हाथ रखा था वो कोड़ी हो गया। शिवलिंग पर ब्रह्मा मुहूर्त में बेलपत्र कौन चढ़ाता है, इसका रहस्य जानने के लिए कई कोशिशें की गई जिसमें लगातार असफलता ही हाथ लग रही थी। इसलिए वहाँ के संत महात्माओं ने एक ठोस निर्णय लेते हुए किसी भी हाल में रहस्य को जानने की ठानी। संत महात्माओं ने मंदिर के अंदर ही अपना डेरा जमा लिया। वहाँ मौजूद होने के बाद भी अब तक वो रहस्य नहीं पता लगा पाए, क्योंकि हर रोज़ ब्रह्मा मुहूर्त होने से कुछ समय पहले ही उनकी झपकी लग जाती है और इसी मौके की नज़ाकत को देखते हुए पल भर में ही अनजानी शक्ति शिवलिंग का विधिवत पूजा कर कहीं गायब हो जाती है और एक बार फिर रहस्य ही रह जाता है। ऐसे में लोगों का कहना है कि लंका के राजा विभीषण को सप्त चिरंजीवियों में से एक माना गया है
और इस शिवलिंग की स्थापना भी उन्होंने ही करवाई थी, इसलिए माना जाता है कि वही आज भी यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। दोस्तों, भक्त और भगवान की ये लीला अपरंपार है, जिसे ना तो कोई जान पाया था और ना ही शायद कोई जान पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।